हर संगवारी हो, तो आज हमन आहन घूमे बर संगवारी हो। तो हमन ह अभी आहन मतलब गांव से कम 2-3 किलोमीटर नहीं 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत आते है। तो संगवारी हो चंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध है यह जगह। तो संगवारी हो बहुत दिन से कर निर्माण कार्य चलत है। तो अभी हमन ह चलो देखे बर प्रकृति तरह से जो बना थे पत्थर बड़े बड़े जो नेचर प्रकृति सौंदर्य आप मान लो दिखाबो संगवारी हो। तो एंड तक के बने रहो आज के ब्लॉग में। तो चलो हमन ह जात हन अभी ऊपर तरफ, मतलब देख सकते हैं पहाड़ में हवे। तो संगवारी हो जगत ले मोला फ्रासी लगत है थोड़ा थोड़ा। तो चलो एंड तक बने रहो संगवारी हो। जैसे कि देखत हो अभी हमन चढ़त हन, हमन तीन जना हन, मोर दोस्त ईश्वर और विजय भाई। तो जैसे कि देखत हो अभी हाँ पकड़े हो ना। तो अभी हमन ह जावत हन दे चढ़त हन 1 किलोमीटर चढ़ गए हन, 1 किलोमीटर बचे। तो देख सकते हो अभी वो जो बना थे वो मंदिर, मतलब जैन शहर चंद्रगिरी नाम से प्रसिद्ध है। तो आप मन जिसे कि देखत हो बहुत ही जबरदस्त है यहाँ के जगह है। कौन से की देखा तो हमने तो पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। आप मन आप मतलब पूरा दिखाबो यहाँ के व्यू ला का है कैसे है। और ये तरफ जैन मतलब लड़का मन के हॉस्टल वगैरह भी ये तरफ जैसे कि देखा तो। और यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू है संगवारी हो, बहुत ही मन जैसे कि अभी यहाँ पास पहुँच गए आप मतलब दिखाबो जबरदस्त प्राकृतिक नेचर की तरह। यहाँ बहुत पुराना जैसे कि पुरमदेव के मंदिर है, जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े पुराना मंदिर है प्राचीन काल के प्राचीन तत्व के जो पत्थर से बनाए गए। तो संगवारी हो जैसे आप मन देख सकते हो यह अभी निर्माण कार्य अभी चलत है अंदर से। आप मतलब पूरा दिखाबो अभी एक निर्माण कार्य पूरा चलत है। तो संगवारी आप मन जैसे कि देख सकते हो यहाँ पूरा अभी तैयारी चला थे यहाँ के, मतलब बहुत दिन से। बहुत बड़े बड़े पिलर लगे हैं यहाँ पे जो कि आप मन देख सकते हो बहुत ही सुंदर डिजाइन करे गए हैं। बहुत ही बड़े मतलब ये बने हैं आप मन हो तब पता चले पूरा पत्थर से बने हैं। ऊपर के कारीगरी देख सकते हो। ऊपर के पूरा जो कारीगरी जो करेगी है डिजाइन वगैरह जो क्वालिटी आप मन जैसे कि देख सकते हो ऊपर में जबरदस्त कारीगरी करेगी है। आप मन जैसे कि देख सकते हो बहुत दिन से करके मतलब कार्य चलत है। और ये पत्थर पूरा फोड़ फोड़ के मतलब ऐसे जो पूरा अंदर से तोड़ तोड़ के बनाए गए है जैसे कि देखत हो। तो संगवारी अब चलते आप मतलब बाहर की व्यू दिखाबो यहाँ के व्यू लो। तो आप मन देख डरे हो तो आप मन घूमे पर भी आ सकते हैं डोंगरगढ़ के जस्ट मतलब 1 किलोमीटर पड़ते डोंगरगढ़ से, 1 किलोमीटर भी नहीं पड़े संगवारी हो। तो आप मन यहाँ आ सकते हो घूमे पर एक बार। सामने के व्यू है डोंगरगढ़ मंदिर है और यहाँ डोंगरगढ़ से दिखते बहुत ही जबरदस्त हवे संगवारी हो। आप मन जैसे कि आ सकते हो एक बार, बहुत ही अच्छा कारीगिरी करे गए संगवारी हो। आप मन जैसे कि यहाँ आ सकते हो एक बार संगवारी हो। अब हम और बहुत ही अच्छा हवा वगैरह चला थे जो जैसे कि देखा तो यहाँ के जो बने हैं मंदिर और माँ कमलेश्वर के मंदिर सामने में है। और अभी हम और ये सामने तरफ के व्यू
तक चैनल पर जरूर बने रहो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। हवा अच्छा चलत है, आप लोग व्यू ला जबरदस्त ये तरफ की दिखावो संगवारी हो। हम अभी हमन ला दिखा थे पूरा जो हवे थे मंदिर ला हमन का है बहुत दिन बाद आहन यहाँ जब नहीं बने तब एक बार हुआ रहे। अभी हमन हाँ हमारे गाँव ला दिखावो यहाँ से चढ़ के तो संगवारी को जैसे कि देख सकत हो यह मंदिर हरे जो कि चंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध हवे आप मन ला तो बता रहे हम। और यहाँ पास वो कलाकृति का चलत है यहाँ पास देख पत्थर से तोड़ तोड़ के पूरे बनाए गए हैं तो जैसे कि देखत हो ये करा। और बहुत मतलब यहाँ मूर्ति रखी हुई है राजकट्टा हरे राजकट्टा हमारे गांव भी दिखे तो संगवारी जो है प्रज्ञागिरी हरे और यह चंद्र माँ बम्लेश्वरी मंदिर हरे। और आप मन देख सकते हो ये मंदिर ला चंद्रगिरी तीर्थ बोलते ला जबरदस्त बने हैं। अभी अंधेरा अंधेरा आते का बार थोड़ा बदल छा है ना वही कारण से पूरा जैसे कि देखत हुए है मैं यहाँ एक सामने में बैठा हूँ जस्ट। अभी ये और बना थे यहाँ पास और मंदिर बना थे जो कि यहाँ पर अभी कार्य चलत है होकर निर्माण कार्य प्रगति में है तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। अब दूसरा मंदिर में जाके दिखाबो संगवारी हो बोला नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाबो तो संगवारी हो जैसे कि हमारे सब पहले देख सकत हो और विजय भाई आवत है विजय भी आत है तो अब हम चलते हैं दूसरा मंदिर में वो मंदिर ला दिखाबो कौन से मंदिर जाने वाला है ना जटाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है वह मंदिर है तो अभी चलो चलते हैं और आगे के ब्लॉग वही मंदिर में दिखाबो संगवारी हो तो चलो चलते हैं।